हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आप सभी का एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां पे CVS फार्माकोलॉजी। इससे पहले फार्माकोलॉजी में हमने कवर किया था ANS, मतलब ऑटोनॉमिक जो फार्माकोलॉजी थी उसको हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। बस एक टॉपिक उसमें जो रह गया था वो था ग्लोकोमा, जिसको मैं जल्दी ही कवर कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं CVS फार्माकोलॉजी, मतलब कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी ड्रग्स हैं उन सब की हम बात करेंगे। तो इसको बेसिकली 5 कैटेगरीज में हमने बांटा हुआ है। CVS फार्माकोलॉजी को हम 5 अलग अलग पार्ट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट इसमें आता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो BP या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने में दिए जाते हैं, मतलब हाइपरटेंशन में जो ड्रग्स दिए जाते हैं उनको बोलेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। फिर है एंजाइना के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। थर्ड कैटेगरी है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कौन कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं। फोर्थ कैटेगरी है एरिथमिया से रिलेटेड, एरिथमिया में कौन कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं। और फिफ्थ कैटेगरी होगी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग, मतलब लिपिड लेवल को कम करने वाले ड्रग्स। तो इन पांचों कैटेगरीज की बात हम करेंगे आने वाली वीडियोज़ में एक एक करके। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ, उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहला हमारे पास आता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स मैंने अभी आपको बताया था, ऐसे ड्रग्स जो हाइपरटेंशन के केस में दिए जाते हों उन्हें बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। सिंपल सी बात है, हाइपरटेंशन क्या होता है? इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। ठीक है, तो हमारा जो हाइपरटेंशन है वो होता है बेसिकली दो तरह का, नंबर वन नंबर टू। नंबर वन होता है प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन, और नंबर टू होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज़ प्राइमरी है मतलब वो खुद से हो रही है। प्राइमरी बेसिकली मतलब होता है हमारे मेडिसिन में कि वो डिजीज़ किसी अंडरलाइंग कोज के कारण नहीं हो रही, वो डिजीज़ खुद ब खुद हो रही है। मतलब कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन है, इसका कोई अंडरलाइंग कोज नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और डिजीज़ के कारण हाइपरटेंशन हो रही है। ठीक है, ऐसा हाइपरटेंशन जो बिना किसी अदर डिजीज़ या अंडरलाइंग कोज के हो उसे बोलेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन। एक होता है हमारे पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी मतलब कोई और प्राइमरी कोज है उसका, मतलब कोई और डिजीज़ है या फिर कोज है जिसके कारण हाइपरटेंशन हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अलग अलग कोजेज हो सकते हैं, जैसे रीनल डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स या फिर वास्कुलर डिसऑर्डर्स। अलग अलग डिसऑर्डर्स के कारण जो हाइपरटेंशन होगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ज़्यादा कॉमन होता है हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो अब यहाँ पे बीपी की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर हमें पता है दो तरह का होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है यहाँ पे 120/80, इससे कम होना चाहिए। लेस देन 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो और लेस देन 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द मैक्सिमम प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मैक्सिमम प्रेशर तो जो वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स पे लगता है ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल उसे बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसी तरह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? वो होता है मिनिमम प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे जो मिनिमम प्रेशर जो हमें देखने को मिलता है ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके अलावा एक टर्म आती है यहाँ पे पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसे हम बोलेंगे पल्स प्रेशर। एक और टर्म है मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर का फॉर्मूला याद रखना, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक क्या हो जाएगा? पल्स प्रेशर। और मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या हो जाएगा? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। तो ये आपको थोड़ी बहुत टर्म्स याद रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से ड्रग्स हमारे पास आते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की कैटेगरी में। तो टोटल हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं जो हमें ड्रग्स पढ़ने हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो उसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है डायूरेटिक्स। अब एक बात बताओ मेरे को, डायूरेटिक्स का काम हो क्या होता है? डायूरेटिक्स क्या करते हैं? सोडियम और वाटर का लॉस कराते हैं हमारी बॉडी से। डायूरेटिक्स क्या करते हैं? सोडियम एंड वाटर का लॉस करवाते हैं हमारी बॉडी से। तो सोडियम और वाटर जो है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं डायूरेटिक्स। तो ये कैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का काम करेंगे उसकी बात भी अभी हम करने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, हाइपरटेंशन में होता क्या? हाइपरटेंशन के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, उनमें से एक है ब्लड वॉल्यूम का बढ़ जाना। ठीक है,
मान लो ब्लड की वॉल्यूम ही बहुत ज़्यादा हो गई तो अपने आप ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो सोडियम और वाटर अगर हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं तो उससे ब्लड वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। सोडियम वाटर जब हमारी बॉडी से बाहर जाएंगे तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम होगी। इसी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होने के कारण जो है ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो डायुरेटिक्स इसी तरह से वर्क करते हैं कि वो ब्लड वॉल्यूम को कम करके हमारा ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देते हैं, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो। तो ये तो मैंने डायबिटीज़ का थोड़ा बहुत आपको बता दिया। और हाइपरटेंशन में और कैसे हो सकता है हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन हो सकता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स की हार्डनेस बढ़ चुकी है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का उल्टा क्या होगा, वैसो डायलेशन? तो ऐसे ड्रग्स जो वैसो डायलेशन कराएंगे वो भी हम हाइपरटेंशन में देंगे, क्योंकि वैसो डायलेशन से ब्लड प्रेशर कम होता है। तो एक तो हो गया डायबिटिक्स। सेकेंड कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे वो है रास इनहिबिटर्स। रास क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो रास आप सबने पहले भी पढ़ा होगा, 11th 12th में भी पढ़ा होगा, फिजियो में भी पढ़ोगे। पढ़ चुके होगे। रास इनहिबिटर्स में हमारे पास आते हैं चार कैटेगरी, मैं बताऊंगा कौन कौन सी होती है, एक बार जैसे नाम बस याद रख लेना। एक है हमारे पास एस इनहिबिटर्स, एक है हमारे पास ARBs, एक है हमारे पास डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स और एक है हमारे पास एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट्स। एस इनहिबिटर्स में हमारे पास क्या क्या आता है? एस इनहिबिटर्स में जैसे एस की फुल फॉर्म बताऊं तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसे बोलेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के इनहिबिटर्स। ARBs क्या हो गए? ARBs हो गए एंजियोटेंसिन रिसेप्टर के ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। और ये दोनों दोनों नाम से आपको पता चल गए होंगे, इनकी बात बाद में करेंगे। थर्ड कैटेगरी हम पढ़ने वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करने वाले। फोर्थ हम पढ़ेंगे सिंपैथोलिटिक ड्रग्स। क्यों सिंपैथोलिटिक ड्रग्स क्यों देते हैं एंटी हाइपरटेंसिव में? इसलिए देते हैं क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कर रहा था, सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है हमारा। तो अगर हम सिंपैथेटिक सिस्टम को ही ब्लॉक कर देंगे तो एक तरह से वैसो डायलेशन हो जाएगी। तो सिंपैथोलिटिक एजेंट्स इसीलिए हम देते हैं ताकि जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाए। फिफ्थ कैटेगरी हमारे पास है वैसो डायलेटर्स। अभी बताया था वैसो डायलेटर्स जरूरी होते हैं देने हाइपरटेंशन में। तो ये पांच कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हम एक एक करके पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं डायुरेटिक्स के साथ। तो डायुरेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। डायुरेटिक्स जो है वो करते क्या है, नंबर वन उनका काम क्या है? डायुरेटिक्स कॉजेस लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन। डायुरेटिक्स क्या करते हैं? सोडियम और वाटर मतलब Na पॉजिटिव आयन, और Na पॉजिटिव जब बाहर जाएगा तो साथ के साथ पानी भी जाता है। तो सोडियम और वाटर का लॉस करवा देते हैं यूरिन में। यूरिन में लॉस मतलब यूरिन मतलब वो ब्लड से बाहर चले गए हैं, बॉडी से ही बाहर चले गए हैं। तो एक तरह से वो ब्लड वॉल्यूम को कम करने का काम करेंगे। हमारे पास मेनली दो तरह के डायुरेटिक्स होते हैं, एक होते हैं लूप डायुरेटिक्स, एक होते हैं थायजाइड डायुरेटिक्स। डायुरेटिक्स को और ज़्यादा फर्दर डिटेल में हम पढ़ेंगे किडनी वाले चैप्टर में, ठीक है, जो डायुरेटिक्स का अलग से एक चैप्टर होगा। तो अभी मैं सिर्फ नॉर्मल आपको जो हाइपरटेंशन में इनका यूज है सिर्फ वही बता रहा हूँ। डायुरेटिक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है लूप डायुरेटिक्स और एक होता है थायजाइड डायुरेटिक्स। लूप डायुरेटिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, मतलब लूप तो दोनों चीज़ें एस, ठीक है, लूप डायुरेटिक्स स्ट्रॉन्ग भी हैं और शॉर्ट एक्टिंग भी है। तो एक तरह समझो कि स्ट्रॉन्ग एक्शन तो है लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए काम करेंगे, तो इसलिए थोड़े समय के लिए काम करेंगे इसलिए हम इसको हाइपरटेंशन में नहीं देते हैं। मेनली जो नॉर्मल जो माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन होता है ना उसमें इसको नहीं देते हैं, तो शॉर्ट एक्टिंग होने के कारण। सो लूप डायुरेटिक्स आर नॉट यूज इन रूटीन इन हाइपरटेंशन एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ रीनल और कार्डियक फेलियर। रीनल और कार्डियक फेलियर अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में हम लूप डायुरेटिक दे सकते हैं, क्योंकि एक तरह से किडनी काम नहीं कर रही ना रीनल फेलियर में। तो थायजाइड डायुरेटिक्स की बात करें, थायजाइड डायुरेटिक्स थोड़े वीक एक्टिंग होते हैं और लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, मतलब कि इनका एक्शन थोड़ा वीक है लेकिन लंबे समय तक काम करेंगे। तो इसको हम माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, मतलब ऐसा हाइपरटेंशन जो खुद ही इतना ज़्यादा ना हो। तो एक तरह से खुद भी इनका एक्शन वीक है और इनको देते भी हम ऐसे ही माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में। तो बेसिकली जो हाइपरटेंशन में दिए जाते हैं वो याद रखना, वो दिए जाते हैं थायजाइड डायुरेटिक्स। लूप डायुरेटिक्स जनरली हाइपरटेंशन में नहीं दिए जाते क्योंकि वो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं और हाइपरटेंशन में हमें लॉन्ग एक्टिंग ड्रग देना होता है जो लंबे समय तक काम करे, बेशक थोड़ा वीक एक्शन दिखाए पर लंबे समय तक काम करे। तो थायजाइड डायुरेटिक्स की बात करें तो थायजाइड डायुरेटिक्स में हमारे पास तीन ड्रग्स के नाम मेनली आपको याद रखने हैं, एक है क्लोरथायजाइड, एक है हाइड्रोक्लोरथायजाइड और एक है क्लोरथैलिडोन। सो क्लोरथायजाइड, हाइड्रोक्लोरथायजाइड एंड क्लोरथैलिडोन, ये तीन नाम याद रखना। इनकी डोज की अगर हम बात करें तो जो थायजाइड डायुरेटिक्स है इनको हमें जनरली लो डोज में देना चाहिए, मतलब 12.5 मिलीग्राम पर डे ऐसी डोज में देना चाहिए। जैसे क्लोरथैलिडोन या हाइड्रोक्लोरथायजाइड दे दिया लो डोज 12.5 मिलीग्राम पर डे दे दिया,
तो ये ऐसी डोज ही इसकी मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन अगर एंटी हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स एडिक्वेट नहीं आया, मान लो हमने लो डोज में दिया लेकिन हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए था हाइपरटेंशन के अगेंस्ट वो हमें नहीं मिला, तो हम डोज को बढ़ा सकते हैं 25 मिलीग्राम पर डे तक। लेकिन 25 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा जो है वो सेफ नहीं होगा। तो 25 मिलीग्राम पर डे मैक्सिमम डोज इसकी हम दे सकते हैं, क्योंकि इससे आगे जो है ये सेफ नहीं होता है। तो ये हमने थोड़ी सी इसकी बात की। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे थायजाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। थायजाइड कैसे काम करते हैं? सो थायजाइड करते क्या हैं, ये काम करते हैं हमारे डीसीटी पे, जो हमारा नेफ्रोन है उसकी डीसीटी के ऊपर ये काम करेंगे। डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, ये तो पता ही होगा आपको। तो डीसीटी पे एक सिम्पोर्ट होता है, एक चैनल होता है, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट, NaCl सिम्पोर्ट। वो क्या करता है, सोडियम को ब्लड में भेजता है, और सॉरी सिम्पोर्ट है तो सोडियम और क्लोराइड दोनों को हमारा जो डीसीटी है उससे ब्लड में भेजने का काम करता है एक तरह से। तो जो थायजाइड्स हैं वो इस सोडियम क्लोराइड जो सिम्पोर्ट था, NaCl जो सिम्पोर्ट था, इसको इनिबिट कर देते हैं। तो थायजाइड ने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ये सिम्पोर्ट ही काम नहीं करेगा तो सोडियम जो है ब्लड में जाने के बजाय कहाँ जाएगा, यूरिन में चला जाएगा। सो सोडियम अगर जाएगा उसके साथ साथ वाटर भी एक्सक्रीट होगा। तो थायजाइड क्या करते हैं, थायजाइड प्रोमोट करते हैं सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन इन द यूरिन बाय इनिबिटिंग द Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव सिम्पोर्ट। ये बात याद रखना। और अगर सोडियम और वाटर अगर यूरिन में पास आउट हो जाएंगे तो एक तरह से ब्लड की जो वॉल्यूम है वो कम हो रही है। ब्लड की वॉल्यूम कम तो कार्डियक आउटपुट कम, कार्डियक आउटपुट कम तो अल्टीमेटली जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसी वजह से थायजाइड्स का अगर हम कोई आपसे पूछे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो वो ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं, जिस वजह से जो है ब्लड प्रेशर डाउन चला जाता है। तो यही उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब चलते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स पे। तो एडवर्स इफ़ेक्ट्स में ये चार चीज़ों को तो कम करता है और चार चीज़ों को बढ़ाता है, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, थायजाइड डायुरेटिक्स की बात कर रहा हूँ। सो थायजाइड डायुरेटिक्स चार चीज़ों को कम करते हैं। किस किस को, पोटेशियम आयन को कम करेंगे, सोडियम को तो कम कर ही रहे हैं, मैग्नीशियम आयन को भी कम करेंगे और एच पॉजिटिव को भी कम करेंगे। सो हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों, एच पॉजिटिव कम होगा तो एक तरह से एल्कलोसिस हो जाएगी। तो ये चार चीज़ों को कम कर रहा है और चार चीज़ों को बढ़ा रहा है। किस किस को बढ़ा रहा है, ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, यूरिक एसिड को बढ़ाता है, लिपिड्स को बढ़ाता है और कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है। एक जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, लूप जो डायुरेटिक्स होते हैं वो कैल्शियम को कम करते हैं। यही डिफरेंस है एक तरह से लूप और थायजाइड में, एक और डिफरेंस है सॉरी। सो लूप डायुरेटिक्स जो है वो कैल्शियम आयन को कम करने का काम करता है, जबकि थायजाइड डायुरेटिक्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो कैल्शियम को बढ़ाते हैं ब्लड में, ठीक है। तो हाइपरकैल्शियमिया, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरयूरिसेमिया एंड हाइपरग्लाइसेमिया, ये एडवर्स इफेक्ट्स हैं हमारे पास थायजाइड डायुरेटिक्स के। तो इस वीडियो में हमने बात की यहाँ पे मेनली डायुरेटिक्स की, उसके पहले हमने क्लासिफिकेशन देखी थी किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।